दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों हमारा 16वां दिन और 16वें दिन एक खास वीडियो को लेकर के मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों आप सभी के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आगामी खेल आयोजन से संबंधित। ये खेल हो सकता है क्रिकेट से संबंधित हो सकता हो हॉकी से संबंधित हो, फुटबॉल से हो सकता है, नेशनल गेम से हो सकता है, ओलंपिक से हो सकता है, या फिर जो अलग अलग गेम्स हैं जैसे कॉमनवेल्थ हो गया, इस तरह के जो अलग अलग गेम हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि आगामी खेल आयोजन कहां पर होना है। ठीक है, इस समय वाला तो पूछा ही जाता है लेकिन आगे कहां कहां का होना है यह प्रश्न भी आपको जानना होता है। ठीक है, तो आज 16वां दिन इसी तरह के खास वीडियो को लेकर आए हैं। 30 दिनों का करंट अफेयर का प्रोग्राम चल रहा है। कुछ तकनीकी खराबी के कारण दोस्तों यह वीडियोज नहीं, इसके पहले की जो क्लास थी वो आपको टाइम से नहीं मिल पाया, 2-3 घंटे लेट मिला, लेकिन मिलेगा, क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी, क्लास बंक नहीं होती। ठीक है, इस बार कोशिश करूंगा कि संडे को भी आपकी क्लास दी जाए। पिछले संडे को मैं क्लास नहीं दिया था तो आप सभी का बहुत कमेंट था कि सर आपने क्लास बंद क्यों कर दिया। अरे मेरे भाई, 30 दिनों तक ये क्लास रहने वाली है, ज्यादा नहीं चलने वाली। ठीक है, चलो आओ तो बात करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में, ओलंपिक के बारे में, एशियाई खेल के बारे में, नेशनल गेम्स के बारे में, एथलेटिक्स के बारे में, राष्ट्रमंडल खेल हो गया और आपका हॉकी वगैरह हो गया, इन सभी के बारे में बातचीत किया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 को ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन कर लें। अगर आप चाहते हैं निःशुल्क सभी विषय की संपूर्ण क्लास देखना तो आइए हमारे प्लेलिस्ट में और देखना शुरू कीजिए। YouTube ही नहीं दोस्तों, अगर आपको मॉक टेस्ट पेपर देना हो, प्रीवियस पेपर देना हो, क्विज देना हो, और थोड़े बहुत क्विज नहीं, कुल हमारे अब तक वेबसाइट एप्लीकेशन पर 2.5 लाख से ज्यादा क्विज अपडेट कर दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन की संख्या बता रहा हूं, ठीक है, और बहुत आराम आराम से काम हम लोग करते हैं। तो आइए और देखिए अपने लेवल की चीजें, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, इसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। ठीक है, भले ही हमारे देश में क्रिकेट को ज्यादा पसंद किया जाता हो लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो हॉकी है। तो हॉकी के संदर्भ में देख लेते हैं कि अगला जो हॉकी का विश्व कप होने वाला है वो कहाँ कहाँ होने वाला है। ठीक है, अब जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है वहां पर 2-3 बातों का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। एक बात तो है कि अब तो महिलाएं भी गेम खेलने लगी हैं, तो महिला और पुरुष दोनों का आपको अलग अलग याद रखना। जैसे लिख रहा है कि पुरुष हॉकी विश्व कप जो है, यानी हॉकी का जो वर्ल्ड कप होना है पुरुषों वाला, वो होना है 2023 में। कब होना है? 2023 में। और महिलाओं का हॉकी विश्व कप जो होना है वो होना है 2022 में। तो महिला थोड़ा सा पहले है भाई, महिलाएं आगे हैं, तो 2022 में महिला हॉकी विश्व कप होगा और 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप होगा। जो पुरुष हॉकी विश्व कप होगा उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत। ठीक है, उसकी मेजबानी भारत कर रहा है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में जो होने वाला उसकी मेजबानी भारत कर रहा है, लेकिन महिला हॉकी विश्व कप जो 2022 में होने वाला है उसकी मेजबानी कर रहे हैं स्पेन और नीदरलैंड। स्पेन, स्पेन की राजधानी क्या है जरा बताइए तो? स्पेन यूरोपियन कंट्री है ना, मैड्रिड राजधानी इसकी, यहीं के लोग सांप खाते हैं, हम लोग पढ़ते थे ना GKGS में बचपन में। और नीदरलैंड की कहां है? एम्स्टर्डम। ठीक है, तो याद रखेगा स्पेन और नीदरलैंड ये मिलकर के इसका आयोजन करेंगे। क्या करेंगे? महिला हॉकी वर्ल्ड कप का। और ये कब होने वाला? 2022 में होने वाला। ठीक है दोस्तों, पढ़ने से ज्यादा आपको यह ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उस तरीके से याद करिए। तो बाद में अभी मैं आपको जब क्विज में काम कराऊंगा तो आप क्विज नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है अगला, अब देखिए इसी तरह से जैसे पुरुष और महिलाओं का हॉकी का वर्ल्ड कप होता है उसी तरह से जूनियर यानी छोटे जो बच्चे होते हैं उनका भी होता है। तो लिख रहा है कि जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप कब होना है? ये 2021 में ही होना है। ठीक है, तो ये जूनियर है, बच्चे हैं, और इसका आयोजन भी कहां पर किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। तो यहां पर देखिए भारत दिया हुआ है। और उसके बाद अगर हम महिलाओं के हॉकी वर्ल्ड कप की बात कर दें तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका में होने वाला महिलाओं का जो वर्ल्ड कप होना है ये भी 2021 में होना है। ये कहां पर होना है? ये आपका दक्षिण अफ्रीका में होना है। ठीक है, इन चारों चीजों को आप याद रखेगा। ठीक है, उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और फुटबॉल गेम के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। 22वां फुटबॉल जो गेम होने वाला वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप कहा जाता है इसको। ठीक है, ये होने वाला है 2022 में। तो देखिए कितना अच्छा नाम है, 22वां 2022 में, 22-22 दोनों है। तो 22वां 2022 में होने वाला, और कहां पर होने वाला? कतर देश का नाम आपने सुना होगा, कतर। ठीक है, तो कतर में होने वाला है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपसे कई सारी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इसको याद रखेगा। इसी तरह से अगर हम उसके बाद यानी जो 23वां फीफा वर्ल्ड कप होना वो कहां पर होगा दोस्तों? तो ये वर्ल्ड कप हर 4 साल पर होता है, तो अगला वाला 2022 में हो रहा है, इसके बाद 2026 में होगा। और ये कहां पर होगा? तो याद रखेगा ये 3 जगह पे होगा,
अब तीनों अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर हैं, एक है आपका यूएसए, दूसरा है मैक्सिको। आप यूएसए जो अमेरिका देश है उसके नीचे की तरफ देखेंगे तो मैक्सिको, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, और यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और उसके ऊपर देखेंगे तो कनाडा देश है, कनाडा की राजधानी ओटावा। ये समझ लीजिए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर होने वाला है और तीनों वहीं के देश हैं, ठीक है। तो याद रखेगा 23वां जो फीफा वर्ल्ड कप होना है 2026 में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों फीफा महिला फुटबॉल अगर विश्व कप की बात कर दें, ये देखिए फीफा का महिलाओं का, ये पुरुषों वाला है, अगर महिलाओं की बात कर दें तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर के इसको कराने वाले हैं, महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप। इसी तरह से एक और गेम होता है फीफा में अंडर 17, छोटे बच्चों का होता है जो 17 वर्ष से कम के होते हैं अंडर 17, तो ये भारत में होने वाला है और 2021 में होने वाला, जो सामने साल आ रहा है इसी में भारत में आयोजित किया जाएगा अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला। तो देखिए जो जो चीजें भारत में आयोजित होनी है ना उनको स्पेशली आप याद रखिएगा, इसको स्टार लगा लीजिए, याद रखिएगा। एक बार फिर से यहां पर भी देख लीजिए, एक पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में होना, वो भारत में होना है, एक जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप होना है 2021 में, वो भी भारत में होना है। तो देखिए 2021 में दो गेम हमारे यहां हो गए, एक हॉकी का एक फुटबॉल का, हां जूनियर का ही सही है, जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2021 में भारत में होगा, और अंडर 17 जो फुटबॉल विश्व कप होने वाला वो भी कहां होने वाला है, आपका भारत में होने वाला है। ये तो हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसे प्रिय खेल की तरफ, क्रिकेट की तरफ। अब क्रिकेट की बात आते हैं दोस्तों, आपको कई सारे पॉइंट्स आपको याद रखने में, देखिए लिख रहा है कि 13वां आईसीसी पुरुष वनडे, एक दिवसीय मतलब वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जो दोस्तों ये 2023 में होने वाला है और ये भी भारत में होने वाला, गजब की बात है। ज्यादातर खेलों का आयोजन दोस्तों भारत में किया जा रहा है, ठीक है, और भारतीय टीम वैसे दुनिया में अपना परचम लहरा रही हर क्षेत्र में, ठीक है। तो याद रखें 2023 में ये जो आईसीसी के द्वारा वनडे वर्ल्ड कप कराया जा रहा है, ठीक है, ये कहां पर होने वाला, ये भारत में होने वाला, लेकिन 2023 में और 23 में 13वां, तो 23 13 याद रखेगा, और 14वां कब होगा, फिर 4 साल बाद, ठीक है, तो 23 4 क्या हो जाएगा, 27 में होगा, और 27 में होगा तो ये होगा दक्षिण अफ्रीका में, कहां पर होगा, ये होगा दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अगर महिलाओं वाली की बात कर दें, भाई आईसीसी जैसे पुरुषों का क्रिकेट वर्ल्ड कप कराती वैसे महिलाओं का भी वर्ल्ड कप कराती है, तो 12वां आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होने वाला है ये भी 2023 में होने वाला है, और इसकी जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को दिया गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। इसी तरह से आईसीसी टेस्ट क्रिकेट विश्व कप विश्व चैंपियनशिप जो है ये 2021 में होना है, ये भारत में आयोजित किया जाएगा जो विश्व चैंपियनशिप है वाला, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों T20 होने वाला है, अब तो इन दोनों को मिलाकर के T20 ही खेला जाएगा ऐसा भी निर्णय लिया गया है, क्योंकि दो दो मैच कराने का कोई मतलब नहीं है, तो याद रखें ये भी भारत में होने वाला है, ठीक है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा T20 के बारे में कि T20 जो 2021 में होने वाला है वो भी भारत में आयोजित होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आईसीसी महिला T20 जो होने वाला है, ये तो पुरुषों वाला T20 है, महिला T20 ये होगा 2022 में और ये होगा दक्षिण अफ्रीका में, कहां पर होगा महिलाओं वाला, ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। इसी तरह से एशिया कप की बात कर दें, एशिया कप T20 ये 2020 में होगा, ये होगा UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा, और ये पाकिस्तान द्वारा आयोजित कराया जा रहा है, ठीक है। और आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप दोस्तों ये 2021 में भारत में होने जा रहा है, तो इसको आप याद ही रखेंगे, ठीक है। एशियाई खेल की बात करते हैं, 19वां एशियाई खेल, 19वां 20वां 21वां, ठीक है, तीनों याद रखेंगे, दोनों याद रखेंगे 19वां और 20वां। तो 19वां होने वाला है 2022 में एशियाई खेल, एशियाई खेल दोस्तों एशियन गेम्स यानी एशिया की कंट्रीज में हिस्सा लेती हैं, और ये होने वाला है हांगझू चीन में, कहां पर होने वाला है, एशियाई गेम होने वाला है 2022 में हांगझू चीन में, और फिर 4 साल बाद 2026 में होगा नगोया जापान में, ठीक है। अगला वाला जो ओलंपिक हो रहा है, इस बार ओलंपिक होने वाला था, 2016 में हुआ था, 2020 ओलंपिक होने वाला था, बट ये कोविड की वजह से टाल दिया गया, तो अब अगले साल शिफ्ट कर दिया गया 2021 में, और वो जापान की राजधानी टोक्यो में होना है। उसी तरह से जापान में एक और शहर है नगोया, वहां पर एशियन गेम्स होगा, लेकिन 2026 वाला एशियन गेम्स होगा, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। एक और गेम होता है दोस्तों एशियाई युवा खेल, एशियाई युवा खेल ये 2021 में होने वाला है, और ये भी आपका चीन में होने वाला, तो एशियन गेम्स जो अगला होने वाला है ये 2021 में, ये चीन में होने वाला है एशियन युवा खेल, और जो एशियन गेम्स मेन वाला वो 2022 में होगा, तो वो हांगझू चीन में होगा, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा।
आगे देखिए, अब ओलंपिक की बात कर लेते हैं दोस्तों। 2020 में जो ओलंपिक होना था वो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होना था, जिसको टाल करके 2021 में कर दिया गया कोविड की वजह से, और कोई रीजन नहीं है। ये टोक्यो जापान में होना है, एकदम फिक्स है। उसके बाद दोस्तों 33वां जो होना है, यानी 4 साल बाद, तो सर 21 से 4 साल जोड़ेंगे कि 20 से 4 साल जोड़ेंगे? नहीं, 4 साल तो 20 से ही जोड़ा जाएगा, यानी अगला वाला होगा 2024 में, ठीक है। तो 2024 में होने वाला जो दोस्तों, याद रखिए, वो होने वाला है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। पेरिस में 33वां होने वाला है। उसी तरह से 34वां कहां पर होने वाला है, तो अब अमेरिका चलते हैं, ठीक है। लॉस एंजलिस है अमेरिका में, तो 24/4/28 में अमेरिका में होने वाला है, और 2032 में भारत में भी होने वाला है, ठीक है। 2032 वाला भी आ गया, 35वां भी आ गया, तो उसको भी याद रखेगा, भारत आ जाएगा वहां पर, ठीक है। इसी तरह जिस तरह से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, उसी तरह से शीतकालीन ओलंपिक भी होता है, गर्मी का और ठंडी का अलग अलग है। तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक जो है दोस्तों, ये 2022 में होना, इसका अलग साल है, ये 22 के क्रम में चलता, 22/4/28/4/32 ऐसे करके चलेगा, 22/4/26/4/30, ठीक है, 22/4/28 कहाँ हो जाएगा, 22/6/28, ठीक है। तो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक गेम्स होंगे, और ये होगा बीजिंग चीन में। कहाँ पर होगा ये? बीजिंग चीन में होने वाला है 2022 वाला। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल दोस्तों, ये 2026 में होने वाला है, मिलान एक जगह पड़ता है इटली में, वहां पर होगा। और चौथा जो आपका ओलंपिक खेल है, ये 2022 में होने वाला, डकार एक जगह है सेनेगल में, ये युवा ओलंपिक खेल है, एक नया खेल है युवा ओलंपिक खेल, इसको नए तरीके से याद रखें, परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो युवा जब खेलते हैं तो डकार नहीं लेते हैं, ठीक है, मतलब पूरा मन लगा के खेलते हैं, तो याद रखिएगा। इसी तरह से दोस्तों, जिस तरह से एशियन गेम होता है जिसमें एशिया की कंट्री हिस्सा लेती हैं, उसी तरह से नेशनल गेम्स भी होते हैं, जिसमें ये केवल भारत में ही होता है नेशनल गेम्स, ठीक है। तो बड़ा अच्छा है, 36वां नेशनल गेम छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ होता तो बड़ा मजा आ जाता ना, 36-36 हो जाता, तो 36वां नेशनल गेम्स हुआ है गोवा में, ठीक है। और 37वां नेशनल गेम जो है दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ में जा रहा है, थोड़ा सा हिंट कर सकता था हम लोगों का, तो याद रखेगा, 36वां गोवा में हो चुका है 2020 में, 37वां आपका छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है, 38वां आपका उत्तराखंड में प्रस्तावित है, और 39वां आपका मेघालय में प्रस्तावित है। लास्ट वाला 39वां कहां पर है? मेघालय में। तो याद रखिएगा, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और मेघालय, ये लाइन से याद रखिएगा, 2020, 21, 22 और 23, ठीक है, जिसको ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम अच्छे से पढ़ते चलिए। परीक्षा में देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछे जाते हैं। आपको 30 दिन का जो सीरीज दिया जा रहा है, इसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर में पूरे वर्ष भर की हम लोग बातें करते हैं, ठीक है, पूरे वर्ष भर की बातें करते हैं, और इत्मीनान से पूरे एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाता है। कवर कराने के बाद कुछ भी अटेंड किया जाता है, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं, जब मैं इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ना, तो जो कुछ भी छूटा होगा दिमाग में, अगर कुछ भूल भी रहा होगा तो याद आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम इसे इंग्लिश में कहा जाता है, राष्ट्रमंडल खेल, इसमें ऐसे देश शामिल होते हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हो, जैसे भारत भी उपनिवेश रहा है, वर्मा, म्यांमार वगैरह सब उपनिवेश रहे हैं, तो सब उसके मेंबर होते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो दोस्तों, 22वां राष्ट्रमंडल खेल ये 2022 में होने वाला, 22, ठीक है, याद रखेगा, बर्मिंघम एक जगह है आपके यूनाइटेड किंगडम में, तो वहां पर होने वाला है। और राष्ट्रमंडल खेल की दो अलग से प्रतियोगिता है, जिसमें निशानेबाजी और तीरंदाजी, पहले तो इन दोनों प्रतियोगिताओं को राष्ट्रमंडल खेल से बाहर कर दिया गया था, लेकिन बड़े विरोध के बाद इसको जो है फिर से शामिल किया गया, और इसकी प्रतियोगिता कराने की जिम्मेदारी भारत ने ले रखा है, और अपने चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा 2022 में ही, ठीक है। तो इसको कॉमनवेल्थ गेम से बाहर रखा गया था, बाद में इसकी एंट्री दी गई, भारत ने बड़ा दबाव बनाया उसके बाद। तो कौन कौन सी है इसमें? निशानेबाजी और तीरंदाजी, ये दो प्रतियोगिताएं हैं 2022 में चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एथलेटिक्स से संबंधित गेम है, लिख रहा है कि 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, ये कहां पर होने वाला है? ये 2021 में होने वाला है, और ये होने जा रहा है अमेरिका में। अमेरिका में एक जगह है यूजीन, क्या नाम है? यूजीन, ठीक है, वहां पर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कराया जाएगा। इसके अलावा 19वां एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भी घोषणा हो चुका, 2023 में होगा, ये हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, आपने सुना होगा, वहां पर कराया जाएगा, ठीक है, बुडापेस्ट हंगरी में 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है। 18वीं कहां पर होनी है? तो ये अमेरिका में होने वाला है, चैंपियन अमेरिका, ठीक है। आगे देखिए, कुछ अलग से मैं आपको दे रहा हूं, उन चीजों को भी आप याद रखें, जैसे आपसे पूछ सकता है कि 14वां दक्षिण एशियाई खेल, दोस्तों एशियन गेम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, एशियन गेम्स हमने क्या पढ़ा था जरा याद करके बताइए, कि एशियन गेम्स होने वाला है हांगझू चीन में, कहां पर होने वाला है?
हांगजू चीन में, ठीक है। और जो युवा एशियन गेम होने वाला है वो भी आपके चीन में होने वाला, दोनों मैंने आपको बताया था। लेकिन ये दक्षिण एशियाई खेल है, ये अलग है, ये 2022 में होगा और पाकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। विश्व सैन्य खेल, इसमें सेना हिस्सा लेती है, 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। एक जगह है कोलंबिया में बोगोटा, क्या नाम है, बोगोटा, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ये 2021 में होगा और पेरू एक देश है दक्षिण अमेरिका में, वहां की राजधानी लीमा है, पेरू की राजधानी लीमा, वहां पर इसका आयोजन किया जाना है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ठीक है, पेरू लीमा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि 31वां ग्रीष्मकालीन यूनिवर्सियाड खेल, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, ये चेंगदू चीन में होने वाला, ये मेरे लिए भी नया था, ठीक है। और 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप तैराकी वाला, ठीक है, ये एक्वालेटिक्स है दोस्तों, ये फुकुओका जापान में होने वाला, ठीक है, इसको ध्यान में पढ़ते चलिए। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूथ गेम रहेगा यहां पे, ठीक है, यूथ गेम्स याद रखेगा, ये होगा 2021 में और हरियाणा में होगा, यूथ गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप दोस्तों, इसमें अमेरिका है, ठीक है। और देखिए, अलग अलग एथलीट के अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक बार आप इसको देख लीजिएगा। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 वाला कहां पर होने वाला है, सर्बिया देश में होने वाला है। रग्बी वर्ल्ड कप 2023 में फ्रांस में होने वाला है। और महिला रग्बी वर्ल्ड कप दोस्तों, ये 2021 में होने वाला है न्यूजीलैंड में। जो मेन रग्बी है वो फ्रांस में होने वाला है, जो महिलाओं वाला है वो न्यूजीलैंड में होने वाला है, ठीक है। तो नई महिला न्यूजी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इतना आज के लिए है जो प्रमुख खेलों का आयोजन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग और सीधे प्रश्न पर चर्चा करते हैं, तो आप जरा ध्यान से प्रश्नों पर फोकस करिएगा, क्योंकि प्रश्न पर आप फंसने वाले हैं। लिख रहा कि 13वां आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2023 में कहां पर खेला जाएगा, बताइए। 13वां जो आईसीसी पुरुष वनडे, मैं मार्कर का कलर पहले चेंज कर लेता हूं, ठीक है, बताइए, जो 13वां आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये आपका कहां पर खेला जाएगा, बताइए, जल्दी से बताइए, सोच समय इत्मीनान से बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं। 13वां कहां पर होने वाला है दोस्तों, मैंने बताया कि पुरुषों वाला जो होने वाला है उसका आयोजन कहां पर हो रहा है, उसका आयोजन किया जा रहा है भारत में, ठीक है, इसको याद रखेगा, भारत में। देखिए यहां पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, अगर आप नोट करना चाहो तो, आईसीसी का ही है, ठीक है, तो आईसीसी में आप कह सकते हो पुरुष का और यहां पर जो वनडे दे रहा है, ठीक है, वनडे यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं, वनडे ये आपके कहां पर होने वाला है, आपका इंडिया में होने वाला है। एक प्रश्न तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे ये पूछ सकता है कि इसका अगला वाला, ये अगला वाला मतलब जैसे पूछा 13वां, ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछ सकता है 14वां, ठीक है, 14वां, तो 14वां कहां पर होने वाला दोस्तों, ये होने वाला दक्षिण अफ्रीका में, कहां पर होने वाला, ये न था दक्षिण अफ्रीका, तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका तब सही होता जब आपसे पूछता 14वां, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। करा कि 12वां आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में किस देश में होगा, बताइए। महिलाओं का जो वर्ल्ड कप होना, तो पुरुष वाला कहां पर होना था, भारत में और दक्षिण अफ्रीका में, एकदम ठीक है, लाइन से वो हमने देख लिया। अब 2023 में जो ये 12वां वाला होने वाला महिलाओं वाला, ये कहां पर होने वाला, बताइए। दो देश मिलकर इसका आयोजन करा रहे थे, कौन कौन से देश थे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया, देखिए न्यूजीलैंड भारत दे रहा, न्यूजीलैंड के साथ भारत नहीं, भारत तो है ही नहीं, भारत में वनडे होगा और लेकिन आईसीसी वनडे होगा लेकिन पुरुषों वाला होगा, महिलाओं वाला नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश कतई नहीं, यहां पर राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, समझ में आया, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये आगे हुआ कि नहीं प्रश्न, अच्छा आगे हो गया, ठीक है, तो याद रखेगा ये हो गया। आगे लिख रहा है कि आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में किस देश में होगा, बताइए। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप, सोच समझ के बताइए, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप ये किस देश में होने वाला है, सोचिए बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, समय नहीं, T20 थोड़ा समय आपको भी दे दिया जाए, हर बार अगर मैं आपको रटाना शुरू कर दूंगा तो कहानी कुछ अलग हो जाएगी, हाँ जल्दी से बताइए, नहीं याद आया, दक्षिण अफ्रीका, कहाँ पर होने वाला दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका, T20 कहाँ पर होने वाला, हमको भी थोड़ा सोचना पड़ रहा है, दिमाग से सोचना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि आगे का आयोजन है ना, प्रेजेंट टाइम का होता तो चीज़ें याद रहती, लेकिन आगे का और आगे ये सोचना पड़ रहा है कि 2021 22 23 24, पता जब इस टॉपिक को मैं तैयार कर रहा था तो एकदम दिमाग उलझ सा गया था,
सच सच बात है यार, सच मानो ना, आपका भी दिमाग थोड़ा सा उलझन में होगा कि पता नहीं क्या है सर कि कैसे याद रखा जाए, ठीक है। लेकिन याद रखे ये 2022 में, ये अभी लेटेस्ट वाला पूछ दिया इसलिए, ठीक है। याद रखे दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, T20 वाला जो गेम हो जाएगा। और जो पुरुषों का T20 होना है कहाँ पर होना है, जल्दी से बताइए, जो पुरुषों का T20 होना है कहाँ पर होना है, तो सिंपल है, ठीक है। पुरुषों वाला जो T20 होने वाला है 2021 में क्रिकेट का गेम कहाँ होने वाला है, भारत में होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है, भारत। तो ये आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप कहां होगा, भारत में होगा। कोई समस्या तो बताएं, कोई समस्या हो तो बताएं। चलिए आगे बताइए, ये पुरुषों का T20 हो गया, ठीक है। अगला उत्तर दीजिए, 14वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 किस देश में होगा, ठीक है। आईसीसी वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027, एकदम लास्ट वाला पूछ रहा है 2027, ठीक है। जल्दी से बताइए कहां पर होने वाला 2027, 14वां, ठीक है। 13वां आपको बता दिया गया था भारत में, और 14वां भी मैंने आपको बताया था, जो अलग से स्क्रीन पे नोट किया था, क्या था, दक्षिण अफ्रीका, क्या था, दक्षिण अफ्रीका। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 14वां वाला क्या हो जाएगा, ये आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, सही है ना। 13वां वाला कहां पे था, अलग से नोट तो किया था भाई, 13वां कहां पर था, ये भारत में था, ठीक है। और 14वां कहां पर है, तो याद रखेगा ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। बस सिंपल है, इसमें ज्यादा नहीं मेहनत है, थोड़ा सा ध्यान देना है। फीफा अंडर 17 जो मेन वाला फीफा था वो आपका 2022 में 22वां फीफा था, कतर में हो रहा था, यही ना, कुछ गलत बोलूं तो बताना। और अंडर 17 कहां पे हो रहा था, तो खुशी हो रही थी क्योंकि ये भारत में हो रहा है, ठीक है। अंडर 17 का आयोजन कहां पर है, भारत में, ठीक है, अंडर 17 वाले का भारत में। कतर में दोस्तों जो मेन फीफा होने वाला है वो वाला है, ठीक है। फीफा ये 22वां फीफा है, और हो भी का कब कब होने वाला है, तो 2022 में होने वाला है, और ये 2021 में क्या होने वाला है, अंडर 17 होने वाला है, ठीक है। ये अंडर 17 है, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, करा 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में होगा, तो अभी अभी बताया हूं ये कहां पर होगा, ये आपका कतर में होगा। कहां पर होगा दोस्तों, ये आपका इसके लिए कतर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस देश में होगा। अच्छा, अब देखो ये शीतकालीन दे रहा है। अब दोस्तों एक बात बताओ, एक तो होने वाला था 2020 में, जो होने वाला था जापान में, कहां पर होने वाला था, जापान, जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाला था, टोक्यो में होने वाला था, और ये अब शिफ्ट हो गया 2021 में, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगला कब होगा, तो 4 साल बाद होगा, 2024 में होगा, और 2024 वाला पेरिस में होने वाला है। पेरिस कहां पड़ता है दोस्तों, ये फ्रांस में है, ठीक है, ये फ्रांस में है। और उसके बाद 24/4/28 हो जाएगा ना, 28, ठीक है, 28, ठीक है, 24/4/28। अच्छा एक मिनट, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बता रहा हूं, ठीक है, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बता रहा हूं। यहां पे देखो ध्यान आ गया, ये शीतकालीन वर्ड दिया ना, और शीतकालीन वाला 2022 से स्टार्ट होता है। चलो इसको पूरा कर लेते हैं, तो 2028 वाला कहां पर होने वाला है, ये लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाला है। कहां पर, लॉस एंजलिस अमेरिका, USA, ठीक है, ये यहां पर होने वाला। लेकिन आपका ये जो मैं बता रहा हूं अभी, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। कहां पर है, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ठीक है, ये ग्रीष्मकालीन, ये ओलंपिक का सिंबल बना दे रहा हूं ताकि आप समझ जाओ ये क्या लिखा है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। इसी तरह से अगर मैं बात कर दूं दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक का, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक, तो शीतकालीन ओलंपिक में क्या बताएंगे, क्या पूछा आपसे, 25वां पूछा है, ठीक है, 25वां यानी बाद वाला पूछा है। एक तो होगा 2022 में, ठीक है, ये 2022 में, और दूसरा होगा 22/4/26 में। तो 26 वाला कहां पर होने वाला है, ये होने वाला है, डकार मत मारिएगा, क्योंकि डकार में चौथा युवा ओलंपिक होने वाला है। ये क्या है, डकार में ये चौथा युवा ओलंपिक होने वाला है, युवा ओलंपिक। थोड़ा सा आप दिमाग पे प्रेशर दीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट्स है, मुझे पता है ज्यादातर लोग हो सकता हो भागने के मूड में, मुझे भाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मुझे मेहनती लोग पसंद है, मुझे ऐसे लोग पसंद है, मुझे पता है दुनिया में हर टॉपिक आसान नहीं होता, कहीं कहीं आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है, जहां लगाना पड़े वहां लगाइए, भागिए मत, क्योंकि भागना सोल्यूशन नहीं है, भागना कतई आपके लिए सोल्यूशन नहीं है, ठीक है।
तो दोस्तों यहां याद रखेंगे ये 25वां जो शीतकालीन 26वां जो 2026 में पूछ रहा है, ये 25वां शीतकालीन ओलंपिक ये होने वाला आपका मिलान इटली में। कहां पर होने वाला है? ये आपका मिलान इटली में होने वाला है, याद रखेगा। और वहीं अगर हम बात कर दें 24वां का, ठीक है, तो 24वां तो सिंपल है, ये अगला वाला होने वाला बीजिंग में, बीजिंग के बाद फिर मिलान इटली में, ठीक है। अगर इसमें पूछ देता तो ये आपका 24वां देता जो 2022 में होगा तो सही होता, ठीक है, 2022 में, ठीक है। और ये शीतकालीन ओलंपिक फोकस करिएगा, दो अलग अलग ओलंपिक होते हैं, एक शीतकालीन अलग होता है जो ठंडी वाला है और ग्रीष्मकालीन अलग होता है, ठीक है, उसको एकदम अच्छे से ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, करा 34वां ग्रीष्मकालीन, ठीक है, कालनी नहीं होता, कालीन होता है, ठीक है, वर्तनी सुधार कर लीजिए, कालीन, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है दोस्तों, ठीक है, अम्मी गलती लिख दिए हैं, ये रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है 34वां ग्रीष्मकालीन, अब देखिए गर्मी वाला ओलंपिक पूछ दिया ना, और सन कब पूछ रहा है 2028, तो अभी भी मैंने बताया कि 2020 के बजाय 21 में जापान में होने वाला है, टोक्यो में, ठीक है, उसके बाद 24 में होने वाला है, कहां पर होने वाला है, पेरिस में होने वाला है, फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में होने वाला है, उसके बाद 28 में कहां होने वाला है, लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाला है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर होगा, होगा ना, आराम आराम से एकदम करते चलिए, मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट है। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में होगा, 2021, हाँ, क्यों 2021 लिखा है दोस्तों, होना था इसको 2020 में, लेकिन ये कोविड की वजह से क्या कर दिया गया, टाल दिया गया, इसलिए 2021 में होने जा रहा है, और ये होने वाला है कहां पर, टोक्यो जापान में होने वाला है, यही ना, टोक्यो जापान में होने वाला है। आगे देखते हैं 19वां एशियाई खेल 2022 किस देश में होगा, ठीक है, एशियाई खेल, ठीक है, देखिए यहां पर एशियाई खेल दे दिया, तो एशियाई खेल होने वाला है दोस्तों हांगझू चीन में, और एक एक और है युवा एशियाई खेल, वो भी था ना, युवा एशियाई खेल भी चीन में होने वाला, और एशियाई खेल भी कहां पर होने वाला है, चीन में, तो याद रखेगा हांगझू चीन इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19वां एशियाई खेल 2022 में चीन में होने वाला है, एशियाई युवा खेल कहां पर होने वाला दोस्तों, तो एशियाई युवा खेल भी आपके चीन में ही होने वाला है, क्यों, कोई दिक्कत बताइए, समझ में आ रहा ना, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, चीन ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहां पे आप ध्यान रख सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं, यहां पे 19वां वाला जो दे रहा है, देखिए इसमें बात करें तो तीन ही हम लोग पढ़े थे, ठीक है, एक तो हमने पढ़ा था 19वां एशियाई खेल जो होने वाला है 2022 में, ठीक है, तो ये कहां पर होने वाला दोस्तों, ये आपका हांगझू चीन में होने वाला है, हांगझू चीन, ठीक है, हांगझू चीन, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों इसके बाद वाला जो 20वां वाला होने वाला हो कहां पर होगा, वो होगा जापान में, कहां पर होगा वो होगा जापान में, ठीक है, तो ओसाका पढ़े थे ना जापान में, ठीक है, उसको भी याद रखे, क्या पढ़े थे हम लोग बताइए, ओसाका नहीं यार, ओसाका तो अलग हो जाएगा, वहां कपड़े की फैक्ट्री है, नगोया, क्या नाम था, नगोया जापान, क्या नाम था, नगोया जापान में, ये इसके बाद वाला है, ठीक है, ये कब का है, ये 20वां वाला दे रहा है, तो ये 20वां अगर पूछे तब बताइएगा, अच्छा लिखा तो है नगोया जापान, ठीक है, ये नगोया जापान में होने वाला, चलो आगे बढ़ते हैं, एशियाई युवा खेल चीन में होगा। करा 29वां राष्ट्रीय खेल जो नेशनल गेम्स होने वाला है 2023 में कहां पर होने वाला है, यार क्या पूछा, 39वां पूछा ले जाकर के, 2020 वाला ये नेशनल गेम अपने देश में जो हो रहा था, ये हो रहा था, हमने बताया था कि 36वां छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, ठीक है, 36वां, तो 36वां 2020 में हुआ है गोवा में, ठीक है, 37वां 2021 में हो रहा है कहां पर, जल्दी बताइए, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, यही तो मैं आपको बता रहा था कि अगर ये वाला ऊपर कर दिया होता तो कितना अच्छा रहता, और 38वां दोस्तों मैंने क्या बताया था, उत्तराखंड बताया था, बोलो 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 मुंह से बोलो यार, बा हम इतना यार मेहनत करके आ रहे हैं और आप लोग क्या तैयारी आपकी, ठीक है, पता है मुझे भी पढ़ाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, मैं कहीं और से थोड़े आया हूं, या ये ऐसा नहीं कि मटेरियल जो है कठिन नहीं है, है कठिन, सारी बातें दिमाग में रखनी पड़ती है, पढ़ाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं करेंगे मेहनत, ठीक है, तो याद रखिए। और उसके बाद आ गया आपका 39वां, ठीक है, ये होने वाला 2022, और ये 39वां होने वाला 2023 में, और यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो ये कहां पर होने वाला, मैंने बताया था आपको ये होने वाला मेघालय में, कहां पर होने वाला है, मेघालय में, तो आपसे ये वाला प्रश्न पूछा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेघालय आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। छत्तीसगढ़ में 37वां होने वाला अगले साल होगा, एशिया जो नेशनल गेम्स होने वाला है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। आगे देखिए 37वां पूछ रहा है, ठीक है, आइए
चलिए देखते हैं, तो 36वां हुआ गोवा में, 36वां हुआ कहां पर, गोवा में, ठीक है, और 37वां हुआ कहां पर बताइए, 37वां हुआ छत्तीसगढ़ में, 37वां कहां पर हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो याद रखेगा छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा है समझ में आ रहा है। 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 किस देश में होगा बताइए, ठीक है, बताइए ये कहां पर होने वाला है दोस्तों। मैंने पहले बताया कि चैंपियन कौन, अमेरिका, कौन है, अमेरिका। तो याद रखिए दोस्तों ये यूजीन अमेरिका में होने वाला है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, क्या होने वाला है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये उन्नीसवां एथलेटिक्स दे रहा है ना, 18वां वाला होने वाला है, देखिए आप यही थोड़ा सा केयर करिए, 18वां यहां पर होने वाला है, ये आपसे 19वां पूछ रहा है, ये 2023 वाला पूछ रहा है। तो ये कहां पर होने वाला दोस्तों, ये होने वाला बुडापेस्ट हंगरी में, यही ना बताइए, ये कहां पर होने वाला, 18वां कहां पर होने वाला है, 18वां अमेरिका में होने वाला और 19वां होने वाला बुडापेस्ट हंगरी में, और आपसे 19वां ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको ना उत्तर करके, आप उत्तर इसको करिए, क्यों, बाद वाला पूछ दिया है, अगर लास्ट वाला ना पूछता, अभी देखिए एक मिनट में गलती हो जाती है आपसे, एक सेकंड लगता है गलती होने में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 18वां और 19वां, ठीक है। लास्ट वाला बुडापेस्ट में अमेरिका चैंपियन है, अमेरिका चैंपियन है, मैंने ये तो याद कर लिया अमेरिका चैंपियन है, लेकिन कब का, तो 18 जवान कब होता है अमेरिका, बच्चा जवान कब होता है, 18 साल की उम्र, तो इसलिए 18वां ध्यान में मेरे आ गया, क्लिक दिमाग में रखा था, मुझे लग रहा था एग्जाम में या फिर कभी पढ़ाते समय दिमाग से चीज स्किप ना करे तो क्या इसके लिए ट्रिक बनाओ, तो दिमाग में एक छोटी सी मेरी ट्रिक बनी कि एथलेटिक्स चैंपियन व्यक्ति कब होता है, जब व्यक्ति खूब जवान होता है, खूब जोश होता है शरीर में, और उम्र कौन है जवानी का, तो 18 साल, ठीक है। तो 18 से मैंने 18वां इसको समझा, 18वां वाला अमेरिका में होगा, ठीक है, अमेरिका में होगा, और बुढ़ापेस्ट यानी बूढ़ा हो गया 19वां में, ठीक है, तो याद रखेगा, और यहां पर 19वां वाला ही पूछ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता 2022, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम जो रियल में होने वाला है, वो होने वाला है वेलिंगटन, ठीक है, वो आपके यूके में होने वाला है, लेकिन यहां पर क्या किया जा रहा है, उससे दो गेम बाहर निकाले गए थे, तीरंदाजी और निशानेबाजी, जिसकी जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई है, चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा, चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ आपका राइट आंसर बनेगा 15वें प्रश्न का, ठीक। तो देखिए यहां पे क्या दे रहा है दोस्तों कि प्रश्न पूछा आपसे कि जूनियर महिला हॉकी विश्व कप ये किस देश में होने वाला है, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने हॉकी के बारे में क्या पढ़ा, हॉकी बारे में देखिए दो तीन बातें आपको याद रखना है, जैसे अगर पूछ दे परीक्षा में पुरुष हॉकी विश्व कप, क्या पूछे, पुरुष हॉकी, देखिए पुरुष हॉकी महिला हॉकी ये दो था, एक पुरुष हॉकी था एक महिला हॉकी था, ठीक है। उसके बाद क्या था दोस्तों, इन दोनों में जूनियर वाले थे, ठीक है, यानी जूनियर थे पुरुष में, ठीक है, जूनियर पुरुष में थे और जूनियर महिला में थी, इतना ही था ना, बस चार ही था उसमें, कुछ पांचवां तो था नहीं, ठीक है, जूनियर महिला, यही आपको चार सिर्फ याद रखना था। पुरुष वाले जितने भी हो रहे हैं दोस्तों, चाहे वो जूनियर वाले हों या फिर पुरुष हॉकी वाले, ये दोनों ही भारत में आयोजित किए जा रहे हैं, ये तो सिंपल हो गया याद करना। हॉकी वाले में कुछ भी आपसे पूछे परीक्षा में, तो आप उसको पुरुष वाला अगर पूछा है, चाहे हॉकी विश्व कप चाहे जूनियर वाला, तो दोनों का ही आयोजन भारत में होना है, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम इसकी बात कर लें महिला हॉकी का, तो ये स्पेन तक का होने वाले में होला है, और आपसे जो अभी प्रश्न पूछ रहा है जूनियर महिला, तो ये जूनियर महिला कहां पर होने वाला है, ये होने वाला है दक्षिण अफ्रीका में, कहां पर होने वाला है, दक्षिण अफ्रीका में। तो यहां पर जो प्रश्न बनने वाला है दोस्तों, उत्तर वो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एकदम आराम आराम से करते चलिए। देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है नो डाउट, ठीक है, और डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपको सन भी याद रखना है और आपको उसका यह भी याद रखना है कि कब जो किया जा रहा है, कब मतलब कौन से नंबर का है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए देखिए पुरुष हॉकी, अब जैसे ही आपने पुरुष देखा, मैंने कहा पुरुष देखते ही उत्तर क्या करेंगे आप, भारत टिक कर देंगे। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में जो होने वाला है वो भी भारत में होने वाला है, और जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप जो होने वाला है वो भी भारत में ही होने वाला है। विश्व सैन्य खेल 2023 का आयोजन कहां पर होगा, विश्व सैन्य खेल, ध्यान से सोच के बताइए, मैंने क्या बताया था, विश्व सैन्य खेल, सैन्य खेल सेना वाला, ठीक है, अच्छा फुफुओका जापान पेरुलिमा और बोगोटा, बोगोटा याद रखिए। सैन सेना क्या होता है दोस्तों, मैंने इसको याद किया इस तरीके से कि सेना लंबी लंबी दूरी की यात्रा करती, तो कोलंबिया कहां पर होने वाला है, ये बोगोटा कोलंबिया में होने वाला है विश्व सैन्य खेल 2023 में, बोगोटा कोलंबिया में होने वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा। ये एक देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, 36वां नेशनल गेम, ये तो मैं बता ही दिया हूं ना, 36वां छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, कहां हुआ, गोवा में, 37वां छत्तीसगढ़ में हुआ है,
और 38वां उत्तराखंड में और 39वां मेघालय में हुआ है। तो मिलाइए यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। ठीक है, सी डी ए बी आपका राइट आंसर होगा। सी डी ए बी मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 20वां देखिए, पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 किस देश में होगा, सर्बिया। अरे यार उत्तर भी लिख दिया, चलो ये बाई मिस्टेक हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन का फायदा आपको यहां से मिल गया, सर्बिया में होने वाला दोस्तों विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। ठीक है, तो याद रखेगा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां पर होने वाला, ये सर्बिया में होने वाला है, तो इसको भी याद रखेगा। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। तो आगे इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज मैं आपके लिए लाते रहूंगा, और आगे दोस्तों आगे की क्लास में आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर चीजें दी गई ताकि आपकी और अच्छे से तैयारी हो सके। अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 पर आपके लिए पर्याप्त मेहनत की जा रही है तो दोस्तों आप हमारा सहयोग करिए, आप वीडियोस को आगे बढ़ाइए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको आगे दीजिए। ठीक है, और देखते चलिए, आज से दोस्तों आपकी 10 बजे की एक स्पेशल क्लास भी स्टार्ट हो रही है। देखिए ये क्लास पहले से बनी हुई थी मेरे पास, ठीक है, और एक रिवीजन कोर्स की तरह से है वो आपके लिए। ठीक है, तो आप उसको अगर पढ़ेंगे, ओवरऑल क्या चाहिए, ओवरऑल आपका फायदा होना चाहिए। जैसे मेरे पास कुछ क्लासेज है तो मैंने सोचा क्यों ना वो क्लासेज आपको दे दिया जाए, कुछ आपका फायदा हो जाए। तो अच्छे से उस क्लास को देखिएगा मन लगा करके, पूरी की पूरी हिस्ट्री का निचोड़ है वो। ठीक है, और ज्यादा नहीं, 5-7-8-10 लेक्चर में पूरी हिस्ट्री मतलब एंशियंट मिडिवल मॉडर्न पूरा आपका तैयार हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा आप हमें समय दे देंगे तो। ठीक है, और ये सीरीज में कोशिश करूंगा कि 15-20 दिन चले ताकि 2-3 बड़े सब्जेक्ट आपके कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।